भाई साहब कती चाड़े पाट दिए भाई, कती चाड़े पाट दिए। क्या तो दिल्ली की पुलिस ने दो टेररिस्ट को पकड़ लिया। टेररिस्ट भाई साहब, इतना असला बारूद उनके पास से मिला है कि वो तो पूरी दिल्ली को विस्फोट से उड़ा देते। दो बंदूक पटाखे फोड़ने वाली, सुतली बम 5, नागिन बम 6, और थे वो फुलझड़ी, 8 फुलझड़ी भाई साहब, 8 फुलझड़ी। पूरा दिल्ली विस्फोट में मर जाता। ऐसे टेररिस्टों को पकड़ लिया दिल्ली की पुलिस ने। आप समझ रहे हो कितना महान काम कर दिया दिल्ली की पुलिस ने। वहीं दिल्ली की पुलिस जो आज तक 3.5 साल हो गए, 3.5 साल से कन्हैया कुमार और ये उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट नहीं बना पाई, वो भाई साहब मुस्तैदी का ऐसा पैमाना सेट किया और नागिन बम फोड़ने के जुर्म में दो टेररिस्टों को पकड़ लिया। कमाल कर दिया भाई साहब हमारी दिल्ली पुलिस ने। उधर से हमारे केरला हाई कोर्ट, वो कह रहा आईसीएस का समर्थन कर रहे हैं तो क्या हो गया? आईसीएस का समर्थन करना भारत के खिलाफ वॉर करना थोड़ी है। करने दो आईसीएस की आइडियोलॉजी का समर्थन, जब वॉर करेंगे तब देखा जाएगा। सांप के फन को पहले से मत कुचलो, सांप को पहले विषैला होने दो, ऐसा खूंखार होने दो कि वो कुछ लोगों को पहले मार दे, उसके बाद सांप को कुचलो। तो ये हमारी केरला की हाई कोर्ट कह रही है। और इधर से बिजली बम फोड़ने पे भाई साहब अरेस्ट कर लिए जा रहे हैं लड़के। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी बिजली बम नहीं फोड़ेंगे और अरेस्ट नहीं होंगे। हमारा काम तो बताना, बाकी आपकी मर्जी। हम भी अपना ये बम फोड़ना कैमरे के सामने बैठ के बंद करते हैं और देखते हैं कि कहीं असली का बम हमारे ऊपर ना फूट जाए। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और देखते रहेंगे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।